हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे, और मैं हूँ रेखा। आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। तो आज की जो वीडियो है वो टेस्ट के ऊपर ये है कि अभी मैंने संडे को आप लोगों को रखा था कि संडे को टेस्ट लेंगे, पर दो से तीन दिन मुझे टालना पड़ेगा। और एक चीज़ और आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों को किस टाइम में वो टेस्ट का टाइम रखूँ कि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो उसमें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये हो रहा है, कोई 4 बजे बोल रहा है तो कोई 5 बजे। तो आप लोग एक फिक्स टाइम बता दीजिए कि हाँ इतने समय हमें लेना चाहिए टेस्ट, मैं उस समय टेस्ट कर रखूँगी। और एक दो दिन टाइम आप सभी लोग मांग रही हैं, तो मैं 2 दिन आप लोगों को और टाइम दे रही हूँ। तो 2 दिन बाद में मैं लगभग वेडनेसडे को हम जो है फिर आप लोगों से टेस्ट लेंगे, उसकी तारीख मैं आप लोगों को बता दूंगी। क्योंकि मुझे तो जिनको टेस्ट देना है उसकी फ़ीस जो है वो रजिस्ट्रेशन की वो 100 रुपये है। तो आपको 100 रुपये मैं अकाउंट का नंबर इसमें दे दूंगी, या कि आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पर लगा दे रही हूँ, आप इस पर मुझे कॉल करिए, फिर मैं आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दूँगी। तो वहाँ से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और बाकी और लोगों को बता दूं कि जिनको रजिस्ट्रेशन या अपना सर्टिफिकेट या कुछ भी नहीं लेना, सिर्फ सीखना है, तो वो लोग ना मुझे मैसेज करें, किसी तरीके का कुछ भी ना करें। क्योंकि इस समय मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ और आप लोग बीच में आके फिर आप लोग पर्सनली सवाल पूछने लगते हैं, तो फिर वो ठीक नहीं है। जिन्हें टेस्ट लेना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, सिर्फ वही लोग मुझे कॉल करें इस नंबर पर, वही लोग मुझे SMS करें, ठीक है, मैसेज करें मुझे। और बाकी और कोई लोग प्लीज़ अभी ना करें। और जिन्हें नहीं टेस्ट लेना है कोई दिक्कत नहीं है, वो ना लें, लेकिन जिन्हें सर्टिफिकेट चाहिए, उन्हें अपने अपने काम को एक प्रोफेशनल बनाना है, उनको लिए सर्टिफिकेट ज़रूरी है, तो वो लोग मुझे मैसेज करें, पूरी जानकारी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने समझा है। अगर टाइम का कुछ फेरबदल आप लोग करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बताइए या SMS करके बताइए, फिर मैं वो मैनेज करूँगी, ठीक है। तो आप सभी लोग सीखते रहिए। और बाकी जो किस तरीके से मैं क्वेश्चन पूछेंगे टेस्ट में, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसी तरीके से आप लोगों को कर देखिए, इस तरीके से आपको जो है टेस्ट में पूछेंगे सवाल, जो आपका इस तरीके से होगा, आईब्रो बनाने के लिए कितने नंबर का धागा प्रयोग किया जाता है, ये उदाहरण है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से एक ऑप्शन सही है, तो आपको जो सही है वो यहाँ पर ये नंबर डालना है कि किस नंबर का आपका ये यहाँ पर आंसर है। तो यहाँ पर आपको डालने के बाद जो भी ABCD जो भी सही हो यहाँ पर वो डाल दीजिए, इस तरीके से आपके सही हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होगा। बाकी जो जानकारी है वो मैं ग्रुप में जिन लोगों को देना है टेस्ट वो लोगों को मैं दे दूंगी, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करना रहेगा, ये मैंने बता दिया ताकि अभी भी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि किस तरीके से आपके आपसे हम सवाल पूछेंगे। काफ़ी लोगों को ये था कि आप किस तरीके से पूछेंगे, तो इसी तरीके से आप लोगों को आएगा टेस्ट में, ओके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकती हैं। बाकी आप